से एनसीपी खेमे से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, एनसीपी प्रमुख और वरिष्ठ नेता शरद पवार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें राजधानी मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। 82 वर्षीय शरद पवार को आखिरकार क्या हुआ है, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन खबर ये है कि उन्हें इसी सप्ताह डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। दरअसल आगामी नवंबर में होने वाले पार्टी कार्यक्रमों में वह शामिल होते रहेंगे। कहा जा रहा है कि वह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होने वाले हैं। एनसीपी ने इस बात की जानकारी दी है कि तबीयत खराब होने की वजह से शरद पवार को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वही पार्टी ने बताया है कि उन्हें 2 नवम्बर तक डिस्चार्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता सिरडी में 4 से 5 नवंबर को होने वाले कैंप में शामिल होंगे और राजनीति में लगातार एक्टिव भी रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस भारत जोड़ो यात्रा में उनकी एंट्री भी देखने को मिलने वाली है और जल्द ही शरद पवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि तकरीबन 3 दिनों तक शरद पवार का मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलने वाला है। आपको बता दें कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से गुजारिश की गई है कि हॉस्पिटल के आसपास भीड़ जमा ना की जाए। शरद पवार को क्या हुआ है, इस बारे में जो पत्र सामने आया है एनसीपी पार्टी की तरफ से, उस पत्र में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। फिलहाल शरद पवार 3 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे और परिवार के लोगों के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।